स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड का हिंदी का चैप्टर 2 लक्ष्मी। इसके पहले हमने चैप्टर 1 भारत महिमा कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस मेरे नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 लक्ष्मी गुरु बच्चन सिंह। जो गुरु बच्चन सिंह ने लक्ष्मी जो पाठ है उसके द्वारा हमको क्या बताया है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी हम जो पशु है जो जानवर है उसका पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है मानवता कहलाता है। यही बात हमको लेखक इस पाठ के द्वारा हमको समझाना चाहते हैं क्योंकि जो पशु होते हैं वे बेजुबान होते हैं तो उनके प्रति हमें क्या होना चाहिए संवेदनशील होना चाहिए और उन बेजुबान पशुओं से हमारे लगाव जो होता है वही इस कहानी के द्वारा हमें लेखक ने बताया है गुरु बच्चन सिंह ने। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। उस दिन मतलब किसी दिन जो एक लड़का था जिसका नाम क्या है बच्चों रहमान, उसने तैश में आकर यानी गुस्से में आकर लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी एक गाय का नाम है और उस लक्ष्मी गाय के पीठ पर उसने क्या किया 4 डंडे है बरसा दिए यानी कि उसको डंडे से मारा। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। वह क्या थी, भयभीत थी, डर गई थी क्योंकि उसने उसे रहमान ने मारा था और वह घबरा भी गई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। जब उसे रहमान ने मारा तब उस गाय के पास जो भी जाता था तो क्या करते थे गाय, क्योंकि गाय को मारा था तो गाय भी तो एक उसे भी दर्द होता है तो वो क्या उसे जो उसके पास में आता उसको फिर से मारने की वो कोशिश करती। शायद उसे लगता होगा कि ये भी मुझे मारने के लिए आया है या फिर वो उछल कूद कर जो खूंटे से उसको बांध के रखा था यानी कि जो एक डंडा जो रहता है उस पे से गाय को बांध के रखते हैं उससे वो क्या करना चाहती थी, अपने आप को आजाद करना चाहती थी, अपने फ्री करना चाहती थी, उसकी प्रयास करती यानी कि उसके लिए कोशिश करती थी, वो खूंटे से अपने आप को मुक्त कराना चाहती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। करामत अली क्या था, अस्वस्थ था यानी कि उसकी तबीयत है वो ठीक नहीं थी, वो बीमार था 2-4 दिनों से। लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। लेकिन जब करामत अली को ये पता चला कि उसके बेटे रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं यानी कि गाय को डंडे से मारा है तो वह अपने आप को रोक नहीं सका। वो अस्वस्थ होने के बाद भी कहाँ चला आया, जहाँ पे उन लोग गाय को रखते थे बथान में वो चला आया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया, मतलब चारपाई यानी बेड जो पलंग जिसे हम बोलते हैं उससे वो उठकर धीरे धीरे चलकर, क्योंकि वो अस्वस्थ था तो वो स्लो स्लो चलकर कहाँ पर आया, बथान में। बथान क्या होता है बच्चों, गाय बैल के रहने का स्थान जहाँ पर गाय और बैल को रखा जाता है। तो वो चलकर कहाँ पर आया, बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसने क्या किया, वो आगे आया, गाय के जो माथे पर उसने हाथ फेरा, प्यार से पुचकारा, प्यार से यानी प्यार जतलाना, प्यार से हम लोग पुछ पुछ करते हैं ना वैसे, तो उसने उसको पुचकारा और हौले से मतलब धीरे से उसके पीठ पर उसके बैक पर उसने क्या किया, हाथ फेरा यानी उसको सहलाया। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तो लक्ष्मी को जब उसका प्यार मिला करामत अली का तो वो उसके शरीर में क्या हो गई, कंपकपी सी उठ गई यानी कि वो बहुत थरा गई, सिहरन सी उसकी दौड़ गई थी। ओह कंबख्त ने कितना बेदर्दी से पीटा है। तो जो करामत अली है वो
को बोलता है कि ओ ये जो कंबख्त, कंबख्त कौन? रहमान मतलब बदनसीब इंसान, ने इसको कितनी दर्द बेदर्दी से पीटा, मतलब उसको पीटते वक्त उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसकी बीबी रमजानी बोली, करामत अली की जो वाइफ थी उसका नाम था रमजानी, उसने बोली लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। तो उसकी जो बीवी थी वो कि उसके लिए क्या लेकर आई? रोगन लेकर आई। रोगन मतलब दवा मिलाया हुआ तेल, जो तेल में दवा मिलाकर लगाते हैं, मतलब वो दवाई के जैसे काम करता है, उसको ठीक हो जाता है। तो वो उसको लाकर देती है, उसको बोलती है कि जहां पर चोट लगी है वहां पर क्या लगा दो? ये रोगन लगा दो, ये दवा मिलाया हुआ तेल लगा दो, तो उससे गाय को क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? करामत अली को बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि गाय की ये हालत हो गई है। तो वो उसने गुस्से में, क्रोध में आकर उसने बोला, इसी लाठी से लेकर मैं तुम्हारे बेटे यानी रहमान के दोनों हाथ तोड़ देता हूँ। क्या कोई इस तरह किसी को पीटता है, वो भी बेजुबान जानवर जानवर को जिसकी कोई गलती भी नहीं है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया। तो रमजानी उसको प्रोटेक्ट करते हुए क्या बोलती है? लक्ष्मी यानी जो गाय है उसने आज भी क्या नहीं दिया? दूध नहीं दिया। तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। तो करामत अली बोलता है कि अच्छा, तो उसने दूध नहीं दिया इसकी वजह से तुमने इसको पनिशमेंट दिया है लाठी से मारकर? रहमान से गलती हो गई इसे वह भी कबूलता है। तो रमजानी बोलती कि उसके बेटे से क्या हो गई है? गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है, वह भी इसे कबूलता है। कबूलता मतलब स्वीकार करना, वो उसे स्वीकार करता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह से गाय को मारना नहीं चाहिए था, लक्ष्मी को डंडे से पिटाई नहीं करनी चाहिए थी। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, कुछ क्षण मतलब कुछ मोमेंट, कुछ टाइम, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाम इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। तो वो उसको क्या बोलती है? तुम यहाँ पर आ तो गए हो कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तभी वो उठ के आया, तो तुमको अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है। अगर तुम्हारा पाम इधर उधर फिसल गया तो क्या हो जाएगी? कमर सिकवाते रहोगे यानी कमर का सेक करवाते रहोगे, क्योंकि कमर है वो टूट जाएगी, मतलब दर्द, कमर में दर्द आ जाएगा। करामत अली ने फिर से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। करामत अली ने क्या किया? फिर से लक्ष्मी की जो पीठ है उसको सहलाई, यानी कि पीठ के ऊपर धीरे धीरे से प्यार से हाथ फेरा, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। तो वो जो लक्ष्मी करामत अली है वो लक्ष्मी से बात कर रहा है, बोलते कि लक्ष्मी से क्या कर रहा है कि मुझे माफ कर दे लक्ष्मी, जो रहमान है जो मेरा बेटा वो क्या है? बड़ा ही मूर्ख है, और तू भी तो उम्र के साथ में क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है। जो डेयरी फार्म के डॉक्टर्स है यानी जो कैटल और जो गाय बैल के जो डॉक्टर्स है, उसने तो लास्ट टाइम इसको कह दिया था कि ये तेरा आखिरी साल है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। लक्ष्मी एकदम चुपचाप खड़ी थी, एकदम साइलेंट, और अपने जहां पर उसको लगी थी चोट पर क्या लगवाती रही? तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। जो ये गाय थी, लक्ष्मी थी, वो किसकी थी? करामत अली का एक दोस्त था, मित्र था, ज्ञान सिंह, उसकी क्या थी? निशानी थी, क्योंकि ज्ञान सिंह ने उसे वह गाय दी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। यानी कि जो ज्ञान सिंह और करामत अली है वो दोनों एक दूसरे के नेबर भी थे, और साथ में वह कारखाने में, फैक्ट्री में, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते, क्योंकि एक ही जगह पर रहते थे और एक ही जगह पर काम करते थे, तो इसलिए वो साथ में ड्यूटी यानी अपने काम पर जाते थे और
एक साथ में ही वो घर पर भी वापस रिटर्न आते थे। ज्ञान सिंह का मवेशी पालने का बहुत शौक था। जो ज्ञान सिंह था उसको मवेशी मतलब गाय बैल जो होते हैं ना, जिसे कैटल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमें दूध देते हैं, वैसे वाले जो पशु थे वो पालने का उसे क्या था, शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। उसके जो घर का दरवाजा था उस पर हमेशा मतलब गाय और भैंस रहती थी, यानी कि उसके घर हमेशा गाय या भैंस रहते ही थे। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। 3 बरस पहले मतलब 3 साल पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी गाय कौन सी होती है बच्चों? जो एक गाय की एक प्रजाति होती है, गाय की एक टाइप होता है जो एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। गाय की एक प्रजाति जो एक दिन में 20 लीटर दूध देती है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। और उस गाय का नाम उसने क्या रखा था? लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उसे घर की जरूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। यानी कि जो गाय थी वो एक ही गाय इतना सारा दूध देती थी कि उनके घर की जो जरूरत थी, घर में जितना दूध चाहिए था, आवश्यक था, वो दूध आवश्यकता पूरी होने के बाद भी कुछ घरों में वो क्या था, दूध दे देते थे। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, दूध बेचना उसका काम नहीं था। केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। वो जो गांव गलियों में गली के कुछ घरों में दूध देता था तो उससे जो पैसे मिलते थे उस पैसों से वो क्या करता था, गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दर्रा मतलब क्या होता है बच्चों? चारे में मिलाए जाने वाला अनाज। जो चारे जब गाय को देते हैं, चारा देते हैं, उसमें जो अनाज मिला के देते हैं उसे क्या बोलते हैं, दर्रा। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। अब नौकरी से अवकाश यानी नौकरी से उसकी छुट्टी हो गई थी, मतलब नौकरी से वो रिटायर्ड हो गया था। और जब वो जॉब से रिटायर हो गया तो जो मकान उसको कंपनी ने दिया था वो मकान भी तो कंपनी वापस ले लेगी, तो वो मकान उसको खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, लेकिन उसको एक समस्या थी, क्या थी? वो थी लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, वो लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था और उसको लेकर जाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियां अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूं तो तुम क्या उसे स्वीकार करोगे? जब उसकी छुट्टी में मतलब उसको मकान खाली करने के लिए सिर्फ 10-15 दिन ही रह गए थे तो उसने करामत अली से पूछा कि अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी दे दूं, सौंप दूं, तो तुम क्या उसको स्वीकार करोगे, क्या उसे एक्सेप्ट करोगे? मियां करामत अली ने कहा, नेकी और पुछ, यानी कि अच्छे काम के लिए क्या पूछना, भला इसमें बड़ी खुशनसीबी भी मेरे लिए और क्या हो सकती है? तो मियां करामत अली ने तुरंत कहा कि नेकी और पुछ, यानी मैं इसके लिए रेडी हूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशनसीबी और कुछ नहीं। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। अब जो करामत अली था वो 1 साल से गाय को संभाल रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी उसने, गाय को संभालने में कोई भी कमी नहीं रखी थी, बहुत अच्छी तरह से लक्ष्मी का ध्यान रखता था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान मतलब उसको सुकून नहीं मिला। करामत अली ने लक्ष्मी को क्या किया था, रोगन लगा दिया था, तेल लगा दिया था, फिर भी उसे सुकून नहीं मिला। वह उसके सर पर हाथ फेरता रहा, वो उसके सर पर क्या किया, हाथ ही फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही। लक्ष्मी
भी स्थिर खड़ी थी। स्थिर खड़ी मतलब बिना हिले डुले वो एक जगह पर ही खड़ी थी और इच्छा की पूर्ण दृष्टि से देखती रही। किसको? करामत अली को। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आजाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। तो उसे लगा करामत अली को कि जैसे लक्ष्मी उसे बोल रही है, अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ तो तुम मुझे क्या कर दो, आजाद कर दो, मुझे यहाँ से भेज दो कहीं, मैं यह घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। करामत अली अपने काम पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? तो रमजानी उस टाइम पर उसको बोलती है कि रहमान के अब्बा, ये अगर जो लक्ष्मी है वो हमको दूध नहीं देगी तो हम इसका करेंगे क्या? क्या सिर्फ हम इसे बांध कर रखेंगे अपने घर पर और उसको खिलाते पिलाते रहेंगे, इसका भरण पोषण करते रहेंगे? जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। तो करामत अली क्या बोलता है कि जानवर है ये, तो अगर वो घर पर है तो इसे हमको खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के जमाने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। तो रमजानी क्या बोलती है, तुम्हें क्या पता इतनी महंगाई हो गई है कि इस महंगाई के जमाने में हम सिर्फ इसको सादा चारा ही देंगे तो भी इसका महीने का खर्च कितना आ जाएगा, 300-350 रुपए। और अभी गाय दूध नहीं दे रही है तो दूध बेचकर हमें जो पैसा मिलता था वो भी क्या हुआ, बंद हो गया। तो हम इसे अपनी जेब से हम थोड़ी ना खिला सकते हैं। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। करामत अली ने भी बात को एक्सेप्ट की कि हाँ इसका खर्चा तो है। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया, घर से निकला और अपने कारखाने की तरफ यानी अपने काम की पर वो जाने लग गया। रास्ते में वह रमजाने की बात पर विचार कर रहा था, लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। जब वो रास्ते में जाता रहता है तो उसे रमजानी की जो बातें हैं वो याद आती रहती है। जब रमजानी उसको बोलती है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे, क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि रमजानी लक्ष्मी है सॉरी वो दूध नहीं देगी और हमें इसको सिर्फ खिलाना ही पड़ेगा मुफ्त में वो भी। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियां क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? तो उसका जो साथी था, उसके साथ में जो फ्रेंड होगा, उसके फैक्ट्री में जो काम करता होगा साथ में, उसने देखा कि रमजान करामत अली बहुत परेशान है तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है, बहुत परेशान से नजर आ रहे हो। तो करामत अली बोलता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस हाँ ठीक है, कुछ तो होगा। तो नईम बोलता है कि कुछ बात तो है जिससे तुम इतने परेशान हो। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में गाय भैंस पालने का खर्चा। तो वो बता देता है उसको कि जो गाय थी मेरे घर पर वो दूध देना तो बंद कर दी क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है अभी, तो अभी उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मुफ्त में खिलाना पड़ेगा और इस जमाने में मतलब इतनी महंगाई है तो इस जमाने में हम गाय भैंस का पालने भैंस का जो खर्चा है वो उठाने में असमर्थ है, मतलब हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, गाय बेच दो। तो नईम उसको सजेस्ट करता है कि इसमें तुम परेशान क्या होना है, अगर तुम गाय का तुम खर्चा नहीं उठा सकते तो गाय को तुम किसी को बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। तो करामत अली ने हौका भरते हुए कहा,
हौका भरते हुए मतलब एक बहुत गहरी सांस लेते हुए कहा, दीर्घ निश्वास, निश्वास मतलब बहुत गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, हाँ गाय को अगर मैं बेच दूँ तो मुझे परेशानी से छुटकारा तो मिल जाएगा, ये बहुत ही आसान तरीका है। और ऐसा बोलते हुए अपने वो अपने काम में फिर से बिजी हो गया। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। उसकी नाइट शिफ्ट थी तो वो रात को काम पर जाता था और सुबह घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दुहता था। रात से जब वह अपना नाइट ड्यूटी करके जब वो घर आता था तभी वो गाय को दुहता था, मतलब गाय से दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? जैसे ही वो घर पे पूछा तो पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुमने अभी तक लक्ष्मी को चारा नहीं दिया है? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तो रमजानी ने ऐसे बात को टालते हुए ऐसे बोल दिया कि उसने किसको कहा था देने के लिए, रहमान को। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता, अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? तो वो करामत अली को थोड़ा गुस्सा आता है, वो बोलता है अगर तुम्हारी और रहमान की दोनों की अगर मर्जी होती है उसको खिलाने की तो तुम अब तक उसको चारा दे चुके होते थे, लक्ष्मी को चारा मिल गया होता था, लेकिन क्या अभी जब लक्ष्मी दूध नहीं दे रही है तो तुम उसे भूखा रखकर मारने वाले हो? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खल्ली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। पुआल मतलब जो धान निकालने के बाद में जो सूखे डंठल बचते हैं उसको हम बोलते हैं पुआल। खली मतलब जो तेल निकालने के बाद में जो कचरा बचता है ना वो होता है खली। और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा, यानी ये सब सानी मतलब अलग अलग चारों को मिलाकर बनाना, मतलब खली दर्रा और पुआल इन सब चीजों को वो क्या करने लगा, मिलाने लगा। तो मिलाकर उसने उसके लिए क्या तैयार की, सानी तैयार की। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। अब लक्ष्मी बहुत भूखी थी तो जब वो तैयार कर रहा था उसकी सानी अनाजों को मिलाकर उसके चारों को मिलाकर तो वो उसमें खाने के लिए क्या करने लगी, मुंह मारने लगी, मतलब तेजी से खाने की कोशिश करने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। जब उसने उसको खाने के लिए सानी दे दी तब वो उसको क्या देखने लगा, गाय की पीठ, क्योंकि गाय की पीठ पर रहमान ने उसे बहुत बेदर्दी से पीटा था डंडे से, और जिस पर उसने क्या लगाया था, रोगन लगाया था। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जो रोगन उसने लगाया था उसने अपना काम किया था और उसकी जो पीठ पर दाग पड़ गए थे उसके मारने से डंडे से वो क्या हो गए थे, कुछ हल्के पड़ गए थे यानी कुछ कम हो गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था, 10-15 दिन से ऐसे ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती, अब कहां से दूं? तो उसके बाद में जब करामत अली पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगते हैं कि गाय के लिए पैसे चाहिए पुआल लाने के लिए, तो वो क्या बोलती है उसको कि पहले तो जब मैं दूध को बेचती थी, बिक्री मतलब बेचती थी तो उससे मुझे जो पैसे मिलते थे वो मेरे पास जमा रहते थे, मैं उसमें से तुम्हें दे देती थी, पर अब तो दूध ही नहीं है तो दूध कहाँ से बेचूंगी और कहाँ से मेरे पास पैसे आएंगे, तो अब मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। तो फिर वो कुछ सोचकर क्या बोलती कि ये लो राशन के लिए जो मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे। तो ऐसा बोलते हुए जो रमजानी एक संदूकची मतलब पेटी में से एक 20 रुपए का नोट निकालकर उसे देती है और बोलती है, जाओ इससे तुम लक्ष्मी का राशन लेकर आ जाओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। तो वो बोलते कि करामत अली, हाँ इस पैसों से उसके 2-4 दिन का राशन तो आ जाएगा। आखिर इस तरह कब तक चलेगा?
रमजानी दुखी स्वर में बोली। रमजानी बोली, अब ऐसे हम कितने दिन गाय का खर्चा उठा पाएंगे? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। तो इसे तुम खुला छोड़ दो कहीं पर भी, तो वो अपना पेट भर के खा पी कर वापस आ जाएगी। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। तो करामत अली है वो बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा बोल रही हो कि मैं उसे खुला छोड़ दूं, तो ठीक है, मैं ऐसा भी करके देख लेता हूँ। दूसरे दिन रमजान रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ कंखार और कहीं दूबी के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। तो दूसरे दिन वो क्या करता है कि उसे लेकर जाता है और जहाँ पर नाला बहता रहता है, जहाँ पे झाड़ है और थोड़ी हरी घास उगी हुई है, वहां पर उस जगह पे वो उसको क्या करता है, छोड़कर आ जाता है ताकि जो गाय है वो अपना वहां पर कुछ खा पी के अपना पेट भर सके। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। लेकिन जब वो छोड़कर आया, उसके 1-1.5 घंटे के बाद में ही लक्ष्मी वापस से घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी, उसके गले में क्या थी, रस्सी बंधी हुई थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? तो उसके साथ में गाय के साथ में एक व्यक्ति भी आया था, एक इंसान भी आया था, एक आदमी था। वो उसको लोगों से पूछा, क्या ये गाय तुम लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। तो ये क्या, वो क्या बोलता है कि ये जो गाय है उसने मेरी गाय का पूरा चारा है वो खा गई, अगर आप इसे बांध कर नहीं रखोगे तो हम इसे कहाँ पहुंचा देंगे, कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस क्या होता है बच्चों, एक सरकारी मवेशी खाना होता है जहाँ पर लोग अपने जो पशु है, जो अनयूज्ड मतलब जो यूजफुल नहीं रहे, वो सब पशुओं को वहां पर छोड़कर आ जाते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट का पशु खाना है। रमजानी छुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब आया हुआ, जो आया हुआ व्यक्ति जो था उसकी बातें वो सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा, तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। जब दोपहर के बाद जब वो करामत अली अपने काम पर से आया और नहा धोकर वो जब वो नाश्ता कर रहा था, तो उसकी वाइफ रमजानी उसको बोलती है कि अगर तू मेरी बात मानो तो इस लक्ष्मी को बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? तो करामत अली बोलता है, फिर से तुम बात करने लगेगी इसे बेच दो, बट इसके बेचने के लिए कोई खरीदार तो होना चाहिए, अब ये गाय बूढ़ी हो गई है, अब जब ये गाय बूढ़ी हो गई है तो कौन इसे खरीदेगा? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। तो वो क्या बोलता है कि रहमान जो उसका बेटा है कुछ बता रहा था कि कुछ लोग है जो इस गाय को खरीदने के लिए तैयार है, इस बात से इसके लिए उसने किसी से बात कही है और शाम को वो गाय को खरीदने के लिए आने वाले भी है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। अब करामत अली है वो ये सब बातें सुनकर चुप रहा, उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। अब उसे क्या लग रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसके विरुद्ध जा रहा है, मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, उसकी इच्छा के खिलाफ जा रहा है, जिस पर उसका कोई वश नहीं है, मतलब उस पर उसका कोई काबू नहीं है। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, क्योंकि करामत अली को पता चल गया था कि अब इस घर में लक्ष्मी की चिंता करने वाला कोई भी नहीं बचा है, इसलिए वो चुप रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने ढाल दिया। वह उठा नाश्ता करके और उसने घर में जो सूखा चारा था वो लक्ष्मी को खाने के लिए दे दिया।
लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी। लक्ष्मी ने चारे को जो उसने खाने को दिया था सूखा चारा उसको सूंघती है, फिर वो बहुत निराश हो गई थी। निराशापूर्ण आंखों से वो करामत अली की तरफ देखने लगी, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो। मालिक, यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं? तो वो उसको बोलती है कि जैसा वो, उसे ऐसे लगा कि जो लक्ष्मी है वो उससे ये बोल रही है कि ये क्या दे रहे हो मालिक मुझे, आज सिर्फ खाने के लिए, फांकने मतलब खाने के लिए ये सूखा चारा ही है, क्या मुझे तुमने दर्रा खली कुछ भी नहीं दिया? करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। करामत अली ने वहां से उठकर गली के नुक्कड़ पे, यानी कि नुक्कड़ मतलब गली के जो कॉर्नर पर जो नल था उसकी तरफ चला गया अपना हाथ मुंह धोने के लिए। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को उसके साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। रात को शाम के 7-8 बजे के करीबन जो उसका बेटा रहमान है वो किसी को एक अपने साथ में लेकर आता है, और जिस व्यक्ति को वो लेकर आता है करामत अली उसको पहले से ही जानता था। इसके पहले कि कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? यानी कुछ भी उससे औपचारिक बातें हो उसके पहले ही उसने उसको डायरेक्टली पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? तो उस व्यक्ति ने बोला, हाँ बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो वो उसको पहले से बताता है कि गाय कैसी है, बूढ़ी है, वो दूध वूध नहीं देगी। तो क्या हुआ? तो वो व्यक्ति बोलती है, तो क्या हुआ दूध नहीं देगी तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? तो वो उससे पूछता है फिर से कि अगर वो दूध नहीं देती है तो तुम उसका लेकर तुम क्या करने वाले हो? मैं कहीं और बेच दूंगा। वो क्या बोलता है कि मैं तुमसे ये गाय खरीद कर इसे कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। तो वो उसे जानता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ये क्या है पुराना धंधा है, तुम क्या करोगे इस गाय को मुझसे खरीद के किसी बूचर खाने में, किसी कसाई खाने में तुम उसको बेच दोगे, और जहां से गाय के टुकड़े टुकड़े करके वो उसको खाने के लिए बेच दिया जाएगा, तो ये तुम्हारा पुराना धंधा है, तो मैं तुम्हें ये गाय नहीं बेचूंगा। वो उसे क्लियर कट उसे बोल देता है, कोरा को जवाब दे देता है, मतलब साफ साफ उसे बता देता है। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है, आने वाले को खड़े खड़े दुकार कर भगा दो? अब रमजानी है वो बोलती है कि ये कौन सा तरीका है, तुम जब जो आया है इंसान तुमको, तुमने उसको खड़े खड़े ही दुत्कार का मतलब इनकार कर दिया और भगा दिया यहाँ से, तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। तो उसको कड़वा स्वर में बोलता है उसको, तुम जानती भी हो कि यह कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां ये टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी, यानी कि वो कहां बेचेगा उसको कि जहां पर उसको काट कर बेच दिया जाएगा। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो बोलता है कि अगर मैंने ऐसा काम किया और उसको गाय को उसका बेच दिया और उसको काट काट के बेच देगा वो, तो और ये बात मेरे दोस्त को पता चल गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। और उस दिन करामत अली ने कुछ रात को खाया पिया भी नहीं और चारपाई पर बिस्तर भी नहीं बिछाया, यानी गद्दा भी नहीं बिछाया, और ऐसे ही वो पड़ा रहा और रात भर उसे नींद नहीं आई। रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी है सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? अब रात काफी निकल चुकी थी, सवेरे लेट तक वो लेटा ही रहा बट उसे नींद नहीं आई। कुछ देर के बाद में जो करामत अली है वो अपनी चारपाई से उठता है, हाथ मुंह धोता है
और लक्ष्मी को जो खूंटा से बंधी हुई रस्सी थी उसको खोलकर उसको अपने साथ बाहर लेकर जाने लगता है। तो रमजानी है जो उसकी वाइफ, वो सब ये खड़ी खड़ी देख रही थी और उसको बोलती, उसे पूछती है, उसे बोलती है कि तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। तो करामत अली बोलते हैं, मैं उसको वहां लेकर जा रहा हूँ जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। वो कहाँ लेकर आता है लक्ष्मी को? अपने साथ सड़क पर लेकर आता है। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अब लक्ष्मी भी, उसको कोई रुकावट नहीं थी, कोई भी बिना परेशान किए, बिना हुज्जत के, यानी हुज्जत मतलब बच्चों जोर जबरदस्ती, मतलब गाय के साथ लक्ष्मी के साथ उसे कोई जोर जबरदस्ती करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह चुपचाप करामत अली के पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। और वो जो करामत अली था, वो गाय की रस्सी पकड़कर, लक्ष्मी की रस्सी पकड़कर रास्ते की तरफ चलता ही गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। तो चलते चलते जब वो कुछ देर रुकता है और फिर लक्ष्मी को बोलता है, लक्ष्मी चल, मैं तुझे कहाँ लेकर जा रहा हूँ? गौशाला, जो कि यहाँ से कितने दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। तुझे मैं गौशाला में रखूंगा और तुम वहाँ पर इत्मीनान से रहना। वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी, हमारे घर में तुम्हें सुख नहीं है, वहाँ तो हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी, गौशाला में तो बहुत अच्छी तरह से रहेगी। हमारे घर पे तुझे खाने के लिए भी प्रॉपर नहीं मिलता है, रहमान तुझे तेरी पिटाई करता है, लक्ष्मी तेरी सॉरी रमजानी है वो तेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करती है। भले ही मैं वहाँ न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। वो गाय लक्ष्मी से बोलता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ में वहाँ पर नहीं रहूंगा, पर मेरा ये ख्याल है कि जो भी वहाँ पर होंगे वो लोग तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे, क्योंकि गौशाला में गौओं को बहुत ध्यान से रखा जाता है, उनको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर गाय दूध नहीं देगी तो उसे खाना पीना बंद कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, मैं भी कभी कभी तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तब तुम मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। तो वो बोलता है कि जब मैं तुमसे मिलने आऊंगा तब तुम मुझे पहचानोगी भी ये कि नहीं, ये कौन जानता है, ये भगवान जानता है कि तुम मुझे जानोगी या नहीं जानोगी। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। जब वो ये बोल रहा था तो वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, गला उसका भर आया, मतलब वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए, यानी कि वो रोने लग गया, क्योंकि वह लक्ष्मी से बहुत ज्यादा उसको क्या हो गया था, लगाव हो गया था, एक अटैचमेंट हो गया था। वो लक्ष्मी को कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता था, पर वो लक्ष्मी को अपने से दूर कर रहा था क्योंकि वो उसकी क्या थी, मजबूरी थी, और मजबूरी में ही वो लक्ष्मी को अपने से दूर कर रहा था, नहीं तो वो लक्ष्मी को अपने से दूर नहीं करना चाहता था। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। और वो उसने लक्ष्मी को क्या बोला, लक्ष्मी चल जल्दी जल्दी चल, और जल्दी जल्दी फटाफट चल, लेकिन वो खुद किस तरह से चला था, जैसे कि बहुत ही कोई थका मांदा बूढ़ा बैल हो, उसकी तरह वो चल रहा था, क्योंकि उसके वो भी बहुत ज्यादा दुखी था कि मैं लक्ष्मी को अपने से दूर कर रहा हूँ। तो बच्चों इसके साथ ही हमने ये जो चैप्टर है लक्ष्मी वो फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी कि स्वाध्याय करेंगे। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करना, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के स्वाध्याय के साथ।